हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल चाल आपके? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। सो भाई, हम लोग सुबह निकल गए थे दिल्ली से जिम कॉर्बेट के लिए और फिलहाल हम अपने होटल में पहुंच गए हैं। अभी लंच करेंगे और फिर थोड़ा सा घूमेंगे, देखेंगे होटल रिजॉर्ट हमारा कैसा है और आपको भी दिखाता हूँ कैसा है और हम आज यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सोओगे आप? मेरे पीछे पीछे रिपीट कर रहा। मैं मॉर्निंग में इस वजह से नहीं बना पाया था, जैसे एक तो जल्दी निकले थे हम और रास्ते में इतना फॉग था मैं बता नहीं सकता भाई। तो रास्ते में ड्राइव करते हुए बनाना बहुत मुश्किल था, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। सो ये है इसका रूम एंड स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में है वॉशरूम। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है भाई। ये बेड, एक छोटा बेड बच्चों के लिए। ये बालकनी, बालकनी से व्यू। पता नहीं यहाँ से मैं दिलवा दूँ सबको। धुंध ऐसी हो रही है कि बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा, क्योंकि सुबह से सूरज नहीं निकला बिल्कुल भी, बहुत ज़रा सा रोशनी है। और यहाँ तो कुछ पहाड़ों में तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है भाई, इतना ठंड है, इतना हालत ख़राब है। हम तो रूम में बैठे हुए हैं जस्ट अभी आके, लंच करके आते हैं फिर देखते हैं कुछ। गर्म कॉफ़ी पियोगे? चलो पीते हैं। घूमने आए थे और क्रिकेट खेलने लग गए भाई। टूट गया, हिल रहा है। हम फोटो नहीं खींच रहे, हम वीडियो बना रहे तो। अच्छा ये बताओ, दिल्ली से यही सोच के आई थी वहां जाऊंगी और आम के पेड़ पे चढ़ूंगी। बाउंसर भाई, ये प्लेयर गलत है भाई। मतलब पिच में थोड़े क्रैक तो है पर बॉल अच्छा खेल रहा है। एक तो मार दे। आ जाओ। कभी मैं तो आई हूँ, मेरे पास बहुत सारे पत्थर हैं एक जैकेट में। एक तो मारनी पड़ेगी इसको। एक तो मारा है, दो। एक दीदी एक हिट। भाई हमारा प्लेयर बॉल छोड़ रहा है। अब जब वो मार सके तो वीडियो नहीं बनाएंगे। मार दिए बोल रहे हैं, हमारा प्लेयर बॉल छोड़ रहा है और मार दिया। सही है यार, ये सही है। वहां पे देगा नहीं बैट। ओ बट बैट चेंज करते हैं। कपिल देव ने कौन सा बैट चेंज किया था 83 में? मोंगूस लेते हुए भाई बहुत लंबा रनअप ले रहा है भाई। और बॉलिंग हमारा जो होटल है रिवर के बिल्कुल साइड में, और देखो धुंध अभी से ही बढ़नी शुरू हो गई बहुत। ये बिल्कुल सामने का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। ये रिवर है और पीछे पहाड़ है। पहाड़ आधे छुप चुके हैं, इससे पीछे पीछे के दिखाई दे रहे थे अभी तक, बट अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इतना फॉग हो गया अभी से और ठंड ज़बरदस्त। अभी खेल रहे थे तो ठंड इतनी नहीं लग रही थी, बट ज़रा सी देर खड़े हुए तो पता चल रहा है ठंड है भाई। हाइटी लेते, मेरे पास है कैमरा भैया, इसका कवर वहीं पे है। चाय पीते भैया, रूम में चलते हैं हम तो। आ जाओ। कैसा लगा आपको? सही लगा, मजा आ गया। तो भाई चाय आ गई और पकौड़े बता रही है शिप्रा, बहुत टेस्टी हैं यहाँ के। एंड ये रस मुझे सबसे बढ़िया लगे, बहुत टेस्टी है। मैंने वैसे ही खाया था अभी बहुत सारा। ओके। तो अभी न्यू ज्वाइन हुआ है, अच्छा काम कर रहा है। हमारा जो ट्रिप एडवाइजर है उसको आप अच्छे से फिट रखिए। हाँ हाँ, लड़के का नाम भी मेंशन करना। अभी थोड़ी देर में आप हाइट एंजॉय कीजिए। नाम क्या है लड़के का? तरुण है। तरुण, ओके, तरुण भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई चाय एक नंबर, ज़बरदस्त चाय एंड पकौड़े, बहुत टेस्टी भाई। ओवरऑल सबका एक्सपीरियंस बहुत शानदार, मज़ा आ गया। अब यहाँ से निकलेंगे रूम पे भाई। भाई बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, आपको घूम घूम के जाना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती है। इसके पार्ट हैं दो, एक सारंगी और एक तरंगी। तो दो जगह आप स्टे कर सकते हैं। हमारा सारंगी में है, तो यार पोर्शन जो है तरंगी, यह वाला सारंगी वाला एरिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। सामने इसकी अपनी पर्सनल पार्किंग है और ये पूरा रिजॉर्ट है भाई, ज़बरदस्त। इसका रिसेप्शन एरिया, ज़बरदस्त। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हेलो ये आधे लोग ऊपर पहुंच गए, थक गया मगर मैं भाई आते आते हैं यहाँ पे। तो फाइनली भाई हम पहुंच गए अपने रूम में। और ये हमारा गनमैन क्या है, सब लोट पोट थक गए। बहुत बड़ा है यार, घूमने में हालत खराब हो जाती है। और ठंड ऐसी है क्या, गला बैठने लगा मेरा। सो थोड़ी देर में डिनर के लिए जाएंगे यहाँ से और फिर देखते हैं कुछ खाते पीते हैं और बोन फायर से मजा लेंगे। अरे बस कर भाई, बस कर। फिलहाल जो टाइम हुआ है 9:45। हाँ 9:45। तो फिलहाल हम डिनर करने जाते हैं। उसके बाद प्लान है कि बाहर बॉनफायर करेंगे। उसके लिए हम कोयला शोयला सब कुछ लेके आए हुए हैं यहाँ पे, और वो लगाएंगे और आराम से बैठ के गाने वाने बजाएंगे। और भाई वहाँ पे बैठ के आग तापेंगे। कोयला लेके आया हूँ मैं और वो जला के भी दिखाऊंगा कैसे पूरा प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करके लेके आया था भाई। तो वो दिखाता हूँ कैसे करते हैं भाई, ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। फाइनली भाई बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया एंड सब कुछ आज हो गया भाई, पूरा एंजॉय किया। आधी चीज़ मैं दिखा पाया, आधी तो मैंने शूट ही नहीं की क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। टाइम इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ब्लॉग शूट नहीं किया, मैंने यहाँ पे आके ब्लॉग शूट किया था। सो कल दिखाता हूँ आपको पूरा। कल हमारा प्लान है यहाँ से नैनीताल जाने का। जैसा भी प्लान होता है, जैसा भी चलते हैं या क्या होता है या कहीं और जगह डिसाइड करते हैं, वो आपको कल सुबह पता चलेगा। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।